हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सीएस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल डॉट कॉम में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी की और जानेंगे कि जीएसटी में जीएसटी की ITC 01 फॉर्म जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन दिया है। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने जीएसटी ITC 01 अभी तक नहीं फिल किया है और आप कंपोजिशन के लिए ऑप्ट कर चुके हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये नोटिफिकेशन है। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूंगी यूं ही आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स जो भी आते रहते हैं जीएसटी से रिलेटेड अपडेट कर सकूं। सो जैसे कि देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है, इन पर्सुएंस ऑफ सेक्शन 168 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड क्लॉज बी सब रूल 1 ऑफ रूल 40 ऑफ सीजीएसटी रूल। क्या है ये रूल 40 का सब रूल 1 क्लॉज बी? ये बताता है कि जीएसटी की ITC 01 फॉर्म की उसको भरने का ड्यू डेट क्या है उसके बारे में बताता है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी पावर को एक्सरसाइज करके इस ड्यू डेट को सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए एक्सटेंड किया है। कौन सी कैटेगरी है चलिए जानते हैं। द कमिश्नर हेयरबाय एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द डिक्लेरेशन इन फॉर्म जीएसटी ITC 01 ऑफ द सेड रूल बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव फाइल द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी CMP 04। यानी जब आप कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं, तब क्या होता है, आपके पास जो स्टॉक होता है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, ITC मिलेगा। कंपोजिशन में आपको ITC नहीं मिलता था, पर अब क्योंकि आप रेगुलर डीलर बन रहे हैं, कंपोजिशन से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे केस में जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उसका आपको ITC मिलता है। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा आपको कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उस बताने के लिए होता है जीएसटी ITC 01। तो इसका डेट एक्सटेंड किया गया है, कहा गया है कि फॉर्म जीएसटी ITC 01 ऑफ द सेड रूल बाय रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी CMP 04 ऑफ द सेड रूल बिटवीन सेकेंड डे ऑफ मार्च 2018 एंड 31st डे ऑफ मार्च 2018 फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इसका मतलब ये है कि सेकेंड डे ऑफ मार्च 2018 से 31st मार्च 2018 के बीच का जो पीरियड है, उस पीरियड में अगर आपने फॉर्म जीएसटी CMP 04 भरा है तो आपके लिए जीएसटी ITC 01 फॉर्म भरने का ड्यू डेट क्या है, उन लोगों के लिए एक्सटेंड करके और 30 दिन बढ़ा दिया गया फ्रॉम 4th September 2018। इस डेट से और 30 डेट आपका 30 डेज एक्स्ट्रा मिलेगा आपको फॉर्म भरने का। सो अब जो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जीएसटी ITC 01 कब भरना है, क्या टाइम लिमिट है, तो चलिए एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं जीएसटी CMP 04 का और जीएसटी ITC 01 का। जीएसटी CMP 04 भरा जाता है तब जब आप कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट हो रहे हैं, और जीएसटी ITC 01 कब भरा जाता है, ये तब भरा जाता है जब आपके पास कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं और आपको उनका ITC लेना है जो आपको पहले नहीं मिल रहा था। कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट बाहर निकल सकता हूँ, ये कोई टाइम लिमिट है कि समय के बाद नहीं निकल सकता? फ्रेंड, कंपोजिशन एक फैसिलिटी है, आपको फैसिलिटी दी गई है, अगर आप फैसिलिटी नहीं यूटिलाइज करना चाहते तो आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि मैं इस साल बाहर नहीं निकल, नेक्स्ट ईयर से मुझे लेना पड़ेगा, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हाउएवर, इफ बिकॉज ऑफ योर टर्नओवर, पर अगर आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर रहा है, कंपोजिशन लिमिट की फैसिलिटी टर्नओवर बेस्ड है, यानी इतना टर्नओवर होने पर ही आप कंपोजिशन के अंदर रह सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो अगर आपका टर्नओवर ही क्रॉस होता है, ऐसे केस में आपको तो ऑप्ट आउट होना ही पड़ेगा। आफ्टर फाइल जीएसटी ITC 01, जीएसटी ITC मैंने आपको बताया कि स्टॉक से रिलेटेड है, यानी पहले आपको कंपोजिशन वाला फाइल करना पड़ता है जीएसटी CMP 04, उसके बाद आपको फाइल करना पड़ता है जीएसटी ITC 01। अच्छा, कैसे समझे कब फाइल करना है CMP 04? सपोज कि आप कंपोजिशन डीलर है, अब क्या हुआ, कंपोजिशन डीलर आपको टर्नओवर जो है, आप कंपोजिशन डीलर है, आपको जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर जाता है 1.5 करोड़ ऑन 15 दिसंबर 2017 को क्रॉस किया आपका वो लिमिट, यानी 1.5 करोड़ के अंदर तक जब तक था तब तक आप कंपोजिशन डीलर के लिए एलिजिबल थे, पर अगर आपका टर्नओवर इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो अगर ये जो लिमिट अक्रॉस हो रही है 15 दिसंबर 2017
एग्जांपल लेके मैं रह रही हूँ, 2070 क्रॉस हो रही है, तो ऐसे केस में कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको जीएसटी सीएमपी 04 बनना पड़ेगा? तो उसका वो होगा 22 दिसंबर। काउंट करके देखेंगे, सेवन्थ डे जो आपका होता है वो है 22 दिसंबर 2017, ये बनेगा आपका लास्ट डेट, क्योंकि 7 डेज़ का टाइम लिमिट दिया जाता है। अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो ऐसे केस में आपके पास 7 दिन का टाइम है सीएमपी 04 भरने का। चलिए एक बार ये भी समझ लेते हैं जीएसटी की फॉर्म आईटीसी 01 किन किन केसेस में भरी जाती है। अगर आप न्यूली रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, यानी आप पहले जीएसटी में, आप तो डीलर थे ही, बट आप जो थे वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थे, पर अभी आपका लिमिट क्रॉस हो गया, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ गई, तो ऐसे केस में आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आप आईटीसी अब ले सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को आपको ये फॉर्म आईटीसी 01 दे के बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने स्टॉक पड़े हुए हैं, ताकि वो आपको आईटीसी दे सके। दूसरा केस क्या, टैक्स पे हुआ है टेकन रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी बेसिस पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, तो ऐसे केसेस में भी आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप ये फॉर्म भर के दें। टैक्स पे कंपोजिशन स्कीम से जो ऑप्ट आउट हुए हैं और नॉर्मल टैक्स पे बन रहे हैं, ऐसे केसेस के लिए मैंने आपको अभी बताया, नोटिफिकेशन आ चुका है जो पर्टिकुलर केस के लिए एक्सटेंड किया गया है, पर ऐसे भी आप कंपोजिशन स्कीम से जब भी ऑप्ट आउट होते हैं तो आपको फॉर्म आईटीसी 01 भरना पड़ता है। रजिस्टर्ड पर्सन हु वेयर प्रोवाइडिंग एग्जेम्ड सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस विच हैव बिकम टैक्सेबल, पहले आप एग्जेम्ड जो सप्लाई कर रहे थे वो एग्जेम्ड था, अब वो टैक्सेबल हो गया, तो ऐसे केस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उस पर जो टैक्स आपने पे किया उसका भी आपको आईटीसी मिलेगा, प्रोवाइडेड आप ये फॉर्म भरें। सो आपको कहाँ मिलेगा ये फॉर्म? ये मिलेगा, आप लॉगिन करेंगे, सर्विस रिटर्न आईटीसी फॉर्म में जाएंगे, वो आईटीसी 01 मिल जाएगा। सो दिस इज सीएस मनीषा साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।